कम बह चुके हैं और उन्हें भी जो जल्द से जल्द मोर के झाड़ू काट दिया जाए। और मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग जो है वो जारी है, कल 15 अगस्त था, पूरा देश 75 वर्ष जो अमृत महोत्सव जो मना रहा था, पूरे देश के अंदर तिरंगे फहराए जा रहे थे, जगह जगह तिरंगे लेकर युवा जो है सड़कों के ऊपर थे, लेकिन कश्मीर के अंदर एक ग्रेनेड हमला हुआ, वो भी हिंदू परिवार के ऊपर। और उसके बाद आज दो भाई सुनील भट्ट और प्रीतम भट्ट, उनके ऊपर हमला हुआ, जिसमें सुनील भट्ट जो है वो शहीद हो गया, प्रीतम भट्ट जो है वो गंभीर रूप से घायल है। लगातार कश्मीर के अंदर सरकार के आश्वासन के ऊपर कश्मीरी पंडित समुदाय कश्मीर के अंदर बसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा के कौन पुख्ता इंतजाम करेगा इसके ऊपर सरकार बात नहीं कर रही। सरकार अभी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में नाकामयाब रही है। कश्मीर के अंदर लगातार हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू टारगेट किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग। तो हम सरकार को आज चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार होश में आए, सरकार इसके ऊपर कड़े संज्ञान ले और इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है वो यह सरकार करे। अन्यथा पूरे देश के अंदर हिंदू अगर खड़ा हुआ तो इसके गंभीर प्रतिक्रिया जो है हर प्रदेश के अंदर जो है वो हिंदू समाज देगा।